Assalamualaikum, I am Aisha. Welcome to my channel Learn to Lead. हम लोग strategic approaches to international relations पढ़ रहे हैं और wars के causes, wars की types discuss करने के बाद आज हम लोग types of warfare पढ़ेंगे. अब warfare क्या होता है? Warfare कहते हैं जंग लड़ने के तरीके को, ठीक है. Warfare कहते हैं the means and methods needed to fight war. ऐसे तरीके, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो टैक्टिक्स हो, जिनको यूज करके जंग लड़ी जाए, उनको वॉरफेयर कहते हैं. एक बात और, आप अक्सर सुनेंगे कन्वेंशनल वॉर या फिर अनकन्वेंशनल वॉर. कन्वेंशनल वॉर और अनकन्वेंशनल वॉर का मतलब ये होता है, कन्वेंशनल वॉरफेयर और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर. ये वर्ड आपको वॉर के तौर पर यूज तो होता हुआ मिलेगा, लेकिन बेसिकली वहां पर रेफर किया जा रहा होता है टू कन्वेंशनल वॉरफेयर एंड टू अनकन्वेंशनल वॉरफेयर. तो देख लेते हैं कि वॉर को लड़ने के टूल्स कौन कौन से हैं और वॉर को लड़ने के टैक्टिक्स कौन कौन से हैं. तो देखें, हम लोग अगर टाइप्स ऑफ वॉरफेयर देखें तो एक तरफ हम लोगों को वेपन्स नजर आते हैं, जिनको हम लोग टूल्स कहते हैं, जिन टूल्स को यूज करके वॉर लड़ी जाती है. दूसरी तरफ हम लोगों को टैक्टिक्स नजर आते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो यूज की जाती हैं वॉर लड़ने के लिए. सबसे पहले अगर हम लोग टूल्स में देखें तो हम लोगों को कन्वेंशनल वेपन्स भी नजर आते हैं, स्मार्ट वेपन्स भी और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन भी. अब अगर हम लोग देखें सबसे पहले तो कन्वेंशनल वेपन्स क्या होते हैं. कन्वेंशनल वेपन्स वो वेपन्स होते हैं जिसमें जो इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं कि मैन टू मैन जितना भी इंटरेक्शन होगा उस वजह से जो भी वेपन होगा वो कन्वेंशनली यूज हो रहा होगा, मैन टू मैन यूज हो रहा होता है. इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि जो बंदा उस वेपन को यूज कर रहा है. एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल वेपन. तो इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि जो शख्स उस गन को यूज कर रहा है वो कितना स्ट्रांग है, तो डिपेंड करेगा कि उस वेपन की स्ट्रेंथ कितनी है. अब अगर एक शख्स वेपन यूज कर रहा है और उसको वो गन यूज करना उसको प्रॉपरली आ रही है, वो अगले बंदे को पहले हिट कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ, उसको दूसरे के ऊपर सक्सेस मिल गई दूसरे को पिन डाउन करने में. इसके अलावा डायरेक्ट जितनी भी कॉन्फ्रेंट्रेशन होती है उसमें कन्वेंशनल वेपन्स ही यूज हो रहे होते हैं. अगर हम लोग डिस्ट्रक्शन की बात करें तो डिस्ट्रक्शन कन्वेंशनल वेपन्स को यूज करने में सिर्फ उतनी ही होती है जितनी आपकी आपस में एंगेजमेंट हो रही है. यानी कि अगर दो लोग एक दूसरे को कॉन्फ्रंट कर रहे हैं और दोनों गन्स यूज कर रहे हैं, यानी कि कन्वेंशनल वेपन यूज कर रहे हैं, तो जितनी कॉन्फ्रंटेशन है, जितनी उनकी आपस में लेवल ऑफ एंगेजमेंट है, उतनी ही डिस्ट्रक्शन भी होगी. अगर हम लोग कन्वेंशनल वेपन्स की यील्ड की बात करें तो कन्वेंशनल वेपन्स की यील्ड लिमिटेड होती है. जहां तक स्मार्ट वेपन्स की बात है, स्मार्ट वेपन्स इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं कि टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी, स्पीड वर्सेस स्पीड, इनोवेशन वर्सेस इनोवेशन और रेंज वर्सेस रेंज. जितना भी किसी का वेपन ज्यादा बेहतर होगा टेक्नोलॉजिकली, स्पीड वाइज, रेंज वाइज, तो वो उतना ही ज्यादा बेहतर दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकेगा. अगर हम लोग बात करें तो इसमें डिसाइसिव एज क्या होता है, इसमें डिसाइसिव एज टेक्नोलॉजी होती है. एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, G3 या फिर MIRVs, अगर कोई से दो एनिमीज हैं, दोनों के पास हैं, तो डिसाइसिव एज टेक्नोलॉजी है. डिपेंड करेगा कि किसकी G3 का या किसकी MIRVs ज्यादा बेहतर है टेक्नोलॉजिकली, ज्यादा रेंज वाइज, ज्यादा इनोवेशन वाइज या ज्यादा स्पीड वाइज, तो फिर डिसाइसिव एज उसी को होगा, ज्यादा बेहतर वही होगा जिसके पास टेक्नोलॉजिकल एज है. अगर हम लोग यील्ड की बात करें तो स्मार्ट वेपन्स की यील्ड भी लिमिटेड होती है. जहां तक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की बात है तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की यील्ड अनलिमिटेड होती है. इनसे होने वाली जो डिस्ट्रक्शन होती है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ये ऑपरेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रक्शन पे, यानी कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है बनाए ही इसलिए गए होते हैं कि मैस डिस्ट्रक्शन करनी है, तो इनका ऑपरेट करने का प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है. जहां तक टाइप्स की बात है तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तीन तरह के होते हैं, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स तो आप सबको पता है क्या होते हैं. जहां तक बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करें तो बायोलॉजिकल वेपन्स मतलब वायरसेस या बैक्टीरिया यूज करना किसी दूसरे के खिलाफ. करंटली कोरोना वायरस से ज्यादा बेहतर क्या एग्जांपल हो सकती है बायोलॉजिकल वेपन्स की. और दूसरा ये भी कि अभी देखें बायोलॉजिकल वेपन है कोरोना वायरस, इसकी कितनी यील्ड होगी, कितनी डिस्ट्रक्शन होगी,
इसके बारे में फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते। और दूसरा, ये किसका वेपन है फिलहाल, इसके बारे में भी बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन है। आप किसी से भी एग्री कर सकते हैं, किसी से भी डिसएग्री कर सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट कोरोना वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। देन केमिकल वेपन्स की अगर हम लोग बात करें तो आर्सेनिक गैस हो गई या फिर टीयर गैस। टीयर गैस से हर कोई फेमिलियर होगा, तो टीयर गैस इज यूज एज अ केमिकल वेपन। जहां तक हम लोग बात करें टैक्टिक्स या स्ट्रेटजीज की, तो टैक्टिक्स या स्ट्रेटजीज में हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल वॉर या कन्वेंशनल वॉरफेयर, ठीक है, जिसको सिमेट्रिक वॉरफेयर भी कहते हैं, और अनकन्वेंशनल वॉर या अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, इसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी कहते हैं। दोनों में अगर हम लोग फर्क देखें कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल में, तो फर्क इतना सा है कि कन्वेंशनल वॉर में, कन्वेंशनल वॉर किस प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट करता है कि सबसे पहले अपनी एनिमी को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई योर एनिमी। दूसरा प्रिंसिपल जिस पर कन्वेंशनल वॉर ऑपरेट करता है वो है फाइट योर एनिमी, और तीसरा प्रिंसिपल है पिन डाउन योर एनिमी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर कन्वेंशनल वॉर ऑपरेट करता है। जहां तक एसिमेट्रिक वॉर या अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की बात है, तो इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं। इसमें पहला प्रिंसिपल है नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू। इसका दूसरा प्रिंसिपल है नेवर फाइट डायरेक्टली, नेवर फाइट डायरेक्टली, फाइट विद सम अदर टैक्टिक्स। और तीसरा प्रिंसिपल है नंबर्स डोंट मैटर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में, आपके एनिमी का चाहे कोई भी नंबर है वो मैटर नहीं करता, यू जस्ट हैव टू फाइट देम। और फाइट आपने ऐसे करना होता है कि यू डू नॉट लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू कि आप उनके एनिमी हो, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके टैक्टिक्स की बात करें अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में, सबसे पहले इंसर्जेंट्स देख लेते हैं। इंसर्जेंट्स ऑपरेट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिट रन एंड हाइड। इनका ये कोई पैटर्न नहीं होते, कोई इनकी प्रॉपर कमांड नहीं होती, अनट्रेन होते हैं, अनरेगुलराइज से ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी भी स्टेट के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। उसी कोई भी रीजन हो सकती है, रिलीजियस रीजन हो सकती है, एथनिक रीजन हो सकती है, कोई भी और रीजन हो सकती है, ये किसी स्टेट के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और इनके जो भी मुतालबात होते हैं वो मनवाने के लिए, ये बेसिकली तो अनरेगुलराइज्ड होते हैं और अनकमांडेड होते हैं, लेकिन ये जस्ट छोटे छोटे अटैक्स कर रहे होते हैं। ये दे जस्ट हिट then they run and they hide। अगर हम एग्जाम्पल ले तो बलोच इंसर्जेंट्स और कश्मीर इंसर्जेंट्स, जो कि अब इंसर्जेंट्स नहीं रहे लेकिन शुरू में ये इंसर्जेंट्स थे, तो ये दोनों इंसर्जेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं। जहां तक बात करें गुरिला वॉरफेयर की, तो जैसे ही इंसर्जेंट्स ट्रेंड हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉपर कमांड मिलनी शुरू हो जाती है, वो रेगुलराइज्ड हो जाते हैं, वो एक प्रॉपर मिलिट्री की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर इंसर्जेंट्स को हम कहते हैं कि वो गुरिला ग्रुप्स बन चुके हैं। और गुरिला ग्रुप्स क्या करते हैं, गुरिला ग्रुप्स के बारे में ये कहते हैं कि गुरिला ग्रुप्स को अगर हम लोग डिफाइन करें या इनको कॉन्फ्रंट करने की बात करें, तो व्हेन अ प्रॉपर आर्मी ऑफ द स्टेट कन्फ्रंट्स अ नॉन मिलिट्री ग्रुप, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये गुरिला वॉरफेयर है, कि एक प्रॉपर मिलिट्री ग्रुप है और दूसरा एक नॉन मिलिट्री ग्रुप है, लेकिन दोनों की कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, तो ये गुरिला वॉरफेयर होती है। और जहां तक बात है तीसरे टाइप ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर टेररिज्म की, तो टेररिज्म यूज किया जाता है, यही गुरिला ग्रुप्स ही करते हैं। हाँ, गुरिला ग्रुप्स की एग्जाम्पल की जहां तक बात है, तो अब भी करंटली ये जो बलोच इंसर्जेंट्स या कश्मीर इंसर्जेंट्स हैं, ये अब बलोच गुरिलाज या फिर कश्मीर गुरिलाज बन चुके हैं, बिकॉज दे आर प्रॉपरली गाइडेड, दे आर प्रॉपरली कमांडेड एंड दे आर प्रॉपर मिलिट्री ग्रुप्स नाउ। अब जहां तक एसिमेट्रिक वॉरफेयर में टेररिज्म की बात है, तो यही गुरिला ग्रुप्स जब यूज कर रहे होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को, यानी कि बॉम्बिंग करना या फिर रैंडम फायरिंग करना, यानी कि साइकोलॉजिकली लोगों में टेरर इंटिमिडेट करना, लोगों में खौफ और हरास फैलाना, जैसे कि हम लोग नॉन स्टेट एक्टर्स में भी टेररिस्ट ग्रुप्स को पढ़ चुके हैं, तो वो जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी वो सब यहाँ पे भी, कि लोगों में खौफ और हरास फैलाना, वजह क्या होती है कि स्टेट से अपनी बात मनवा रहे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टूल क्या यूज कर रहे होते हैं, लोगों में खौफ फैलाना ताकि स्टेट को प्रेशराइज कर सकें, ताकि अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मनवा सकें। इस लिहाज से अगर हम लोग देखें, तो ये जो कहा जाता है कि इस्लामिक टेररिज्म और इस्लाम की आइडियोलॉजी टेररिज्म है, क्या इस्लाम की आइडियोलॉजी टेररिज्म है? टेररिज्म तो एक टाइप ऑफ वॉरफेयर है ना, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि टेररिज्म एक आइडियोलॉजी है या फिर इस्लाम की आइडियोलॉजी टेररिज्म है? टेररिज्म एक आइडियोलॉजी नहीं है, टेररिज्म इज अ टाइप ऑफ वॉरफेयर। तो ये टाइप्स ऑफ वॉरफेयर है, इन इन तरीकों से वॉर्स लड़ी जाती हैं, चाहे वो टूल्स हों या फिर चाहे वो टैक्टिक्स हों। तो आई होप मैं आपको टाइप्स ऑफ वॉरफेयर समझा पाई। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।